गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। कल हमने ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में पार्ट 7 भारतीय ग्रामीण परिषद पंचायत के बारे में पढ़ा था। आज उसी कक्षा को, उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू लगातार पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने ग्राम पंचायत के बारे में, उसका अर्थ और क्या क्या, कैसे उसका निर्माण होता है और कुछ उसके कार्य के बारे में पढ़ा था। देखिए, आपके पार्ट में भी, किताब में भी, ये देखिए आप पेज नंबर 31, पार्ट 7 आपका ये बुक के अंदर है। और उसमें देखो, ये ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और ये गांव के लोग हैं कि जो इनकी समस्याएं हैं, चाहे जो ये कार्य करवाना चाहते हैं, उनका हल इनके द्वारा किया जाता है। और इनका एक हेड है जिसे सरपंच, मैंने कल भी क्लास में बताया था, वो करता है। जैसे आपके घर में मैंने बताया कि मम्मी पापा या आपके विद्यालय में समस्याओं का हल आपके प्रिंसिपल या टीचर्स करते हैं। ये तो पंचायत का निर्माण हो गया। अब उसके बाद ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं? देखिए, ग्राम पंचायत के कार्य या उसकी मुख्य बातें क्या है, आप देखिए। इसमें आप देख रहे हो, अगला पेज पलटोगे जब 32 नंबर पेज पर, देखिए कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, कि जिस तरह से डॉक्टर इनको इंजेक्शन लगा रहा है, आप सभी को मालूम है बीमारी काल है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। लेकिन जहाँ परिवार इकट्ठे रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं, सीजन के अनुसार, समय के अनुसार, मौसम के अनुकूल कई बीमारियां आती और जाती हैं, उनके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई भी हमारे लिए जरूरी है कि आप भी घर रहकर पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्कूल नहीं आ सकती लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब गाँव में भी वहाँ के लोग शिक्षित हो सके, शिक्षित होते हैं तो तभी वो अच्छे से कार्य कर सकते हैं, शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। अब जब रहते हैं, कुछ कार्य करते हैं तो गंदगी भी होती है, तो साफ सफाई करनी जरूरी है, इसीलिए सफाई का प्रबंध भी करना जरूरी है। ये आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। अब इन बातों को मैं आप मुख्य बिंदु पाठ के, देखिए ब्लैक बोर्ड में मैंने लिख रखे हैं, इनको समझा रही हूँ कि सबसे पहले तो जो गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं, अब किसी परिवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनकी सब समस्याओं का, उन परेशानियों का हल जो है वो गांव की जो पंचायत है उसके द्वारा किया जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, कोई और अन्य हो, या धन संबंधी हो, किसी का आपस में झगड़ा हो जाए, ये सब बातें कि कहीं किसी को परेशानी ना हो। कई बार होता है कि एक खेत की दीवार दूसरे के खेत तक पहुंच गई, तुमने पानी पहले ले लिया, मेरे खेत में पानी नहीं आया, या कहीं पानी की व्यवस्था सही नहीं है, या लाइट नहीं आ रही है, या कोई और भी समस्याएं होती हैं किसी भी परिवार को, तो वो सब परिवारों का ध्यान, जैसे घर के सदस्यों का ध्यान हमारे घर के मुखिया माता पिता रखते हैं कि बच्चों को या घर के अन्य सदस्यों को परेशानी ना हो, इसी तरह से जो पंचायत के सदस्य हैं वो गांव के सदस्यों का या परिवारों का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात है स्वास्थ्य केंद्र बनाना। अब स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सही रखना है तो स्वास्थ्य केंद्र का होना जरूरी है। डॉक्टर जो नर्सेज हैं या जो मेडिकल की दवाइयां जो मिलेंगी, मेडिकल स्टोर्स हैं, तो वो होना जरूरी है स्वास्थ्य केंद्रों का, तभी कि जन्म भी होता है, कोई बीमारी हरी भी लगती रहती है, मौसम के अनुसार भी लोग बीमार भी पड़ते हैं, उनका सही समय पर इलाज मिले, इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके लिए गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाने का कार्य जो है वो भी पंचायत का होता है। अगला मैंने बताया विद्यालय खुलवाना। जिस तरह से हमारे लिए शिक्षा अनिवार्य है, बिना विद्यालय के पढ़ाई नहीं हो सकती, तो विद्यालय स्कूल का होना जरूरी है। आप नारा भी सुनते हैं, आओ चले स्कूल, तो गांव तक भी शिक्षा पहुंच सकेगी। आप ये सोचे कि किसी भी कारण से आप स्कूल में नहीं आ सकते, आजकल ऑनलाइन क्लासों की सुविधा सब जगह है, लेकिन स्कूल होना जरूरी है। स्कूल होगा तभी तो शिक्षा होगी, कि बिना अध्यापक और बिना स्कूल के शिक्षा कैसे होगी। तो इसके लिए गांव-गांव में, ताकि एक सदस्य को या गांव के किसी भी छात्र को पढ़ने के लिए दूसरी जगह भटकना ना पड़े, बहुत दूर ना जाना पड़े, हर गांव में अपने स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय, उससे बड़े विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज आदि भी खुलवाना। सबसे पहले तो स्कूली शिक्षा जरूरी है, तो इसलिए विद्यालय हर प्रत्येक गाँव में खुले, ये बात का ध्यान भी पंचायत रखती कि हमारे गाँव में विद्यालय हो, ताकि गाँव के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख सके। और पढ़ा लिखा व्यक्ति आप जानते हो हर तरह के कार्य कर सकता है, कल वो कृषि कार्य भी करेगा तो उसकी जानकारी है, या लेन देन पैसों का हिसाब किताब है, वो भी हमें शिक्षा के माध्यम से सही ढंग से आता है, ये सब, ताकि उनकी कोई बेईमानी ना कर सके, उनके धन का सही उपयोग हो सके, वो अच्छे ढंग से कार्य कर सके। तीसरा कार्य है आय का विकास। अब जहां हम हैं उससे आगे बढ़ने के लिए हम विकास के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। आज अगर हम 10 रुपए कमाते हैं तो आगे मेहनत करके प्रयास करते हैं 20 कमाए, 100 कमाए,
तो उनकी जब आय अच्छी होगी तो परिवार का स्तर भी अच्छा होता है। पहले आप 100 रुपए में जो वस्तुएं खरीदते थे, जब आपके पास अगर 500 है तो घर के विकास के लिए आप कुछ भी वस्तुएं खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और कुछ बचत भी कर सकते हैं। अगर 1000 होती है तो थोड़ी बचत भी बढ़ जाती है जो आपको भविष्य में कई कार्यों में काम आ सकती है, दवाई में, कोई शादी ब्याह हो। तो आय का विकास तो हर कोई करना चाहता है। अब गाँव के सब परिवारों की आय बढ़ सके जो इस बात का भी, ताकि उनके स्वस्थ रहेंगे तभी वो काम कर सकते हैं, आय बढ़ेगी। पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आय बढ़ेगी। इन बातों का ध्यान रखना कि आय का विकास हो सके। अगला 5वां कार्य ग्राम प्रधान के कार्य। अब ग्राम प्रधान क्या क्या कार्य करता है? हेड ऑफ दी पंचायत, पंचायत का हेड है, मुखिया है सरपंच। और वो क्या कार्य करता है, वो अपने पंचों से क्या क्या कार्य या जो उनसे संस्थाएं जुड़ती है उनसे वो क्या कार्य करवाता है या सरकार से वो किन किन चीजों के लिए मांग कर सकता है कि गांव के विकास में किया जाए। जैसे कृषि कार्य, गांव का आपको मालूम है प्रमुख कार्य क्या है, कृषि कार्य। कृषि अगर नहीं होगी ढंग से तो शहरों तक भी वो वस्तुएं नहीं पहुंच सकेंगी। इसके सबसे पहले प्रमुख कार्य है कृषि का कार्य सुचारू रूप से, और कृषि के लिए अच्छे बीज चाहिए, अच्छी मिट्टी हो, खाद हो, आप पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, और हल वगैरह चलाने के लिए जो भी औजार अस्त्र शस्त्र चाहिए कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वो सारे औजार उनको मिल सके। जैसे फावड़ा है, हल है, ट्रैक्टर है, या ट्रक वगैरह से सामान जाना है, वो सब सारी सुविधाएं। अब उनके लिए सड़कें होना भी जरूरी है, तभी कृषि गाँव शहर से जुड़ेंगे और वो सामान शहर से गाँव तक जाएगा और गाँव से शहर तक आएगा। ये कार्य अच्छे से हो इसके लिए सब बातों का ध्यान कौन रखता है? पंचायत का ग्राम प्रधान जो हेड होता है, सरपंच होता है, वो ये कार्य करता है। दूसरा कार्य है पशुपालन। पूरे वर्ष भर तो कृषि कार्य होता नहीं है, जब उनको समय मिलता है या साथ में उसका एक सहायक उद्योग कह लो, सहायक कार्य कह लो पशुपालन, कि देखो खेतों में चारा वगैरह भी उपलब्ध होता है और पशु भी काम करते हैं वहां पर, कुछ माल ढूंढने के भी काम आते हैं, कुछ हल चलाने में भी काम आते हैं, तब उनको पालन भी करना पड़ता है। तो पशुपालन अच्छे ढंग से हो, अच्छे पशु हो, उनकी नस्लें अच्छी हो, अच्छा चारा मिले, उनसे दूध या जो अन्य उत्पाद है वो भी अच्छी क्वालिटी की मिले, ये सब प्रबंध या उनके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं उसके लिए भी ग्राम प्रधान सभी कार्य करता है या उपलब्ध करवाता है उनको। स्वस्थ व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, और अगर बीमार होगी तो कैसे कार्य कर सकते हो, बीमार होते तो उठ भी नहीं पाते बिस्तर से, तो काम कैसे करोगे। इसके लिए सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई भी मौसमी बीमारी हो सीजन के अकॉर्डिंग उनको दूर किया जा सके, दवाइयां उपलब्ध हो, स्वास्थ्य केंद्र खुले, ये सब कार्य ग्राम प्रधान के होते हैं। अब अगला है परिवार नियोजन। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये नारा आप सबने सुना है। अब बड़े परिवार होते हैं तो उनके लिए उसी धन में अधिक कुछ सुविधाओं का इंतजाम करना पड़ता है, तो वो धन सब में बढ़ जाता है। जैसे आप डिवाइड में भी सीख चुके हैं, अगर वही 500 रुपए 10 व्यक्तियों में खर्च करने हो और 2 या 3 में करने हो तो सबकी आवश्यकताएं जल्दी पूरी हो सकती है, और 10 व्यक्तियों में आवश्यकताएं सबकी नहीं पूरी हो सकती, किसी की कोई आवश्यकता छूट जाएगी, किसी की कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। इसीलिए छोटा परिवार सुखी परिवार। अब परिवार नियोजन के लिए क्या क्या साधन हो, ये स्वास्थ्य केंद्रों में इन बातों का ध्यान रखा जाता है, और इसके लिए लोगों को शिक्षित करना कि क्या कैसे किया जाए परिवार नियोजन, और उनके क्या इसके लाभ हैं, और स्वास्थ्य केंद्र में जाकर क्या क्या दवाई ले सकते हैं, ये सब जानकारी या ये सब साधन इसके लिए उपलब्ध हो, ये ग्राम प्रधान ध्यान रखता है कि उस संस्था के पास परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए या ज्ञान देने के लिए जो सहायक कर्मी चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, वो आसानी से मिल सके, डॉक्टर, नर्सेस आदि। अब गांव की साफ सफाई व्यवस्था, अब जहाँ हम रहते हैं उस जगह को हम साफ करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, उसके लिए हम काम वाली बाई की भी हेल्प लेते हैं, मम्मी भी करती हैं, घर के और सदस्य मिलकर भी घर की साफ सफाई करते हैं। अब अकेला ग्राम प्रधान तो गाँव की सफाई नहीं कर सकता ना, इसके लिए उसे जिन सदस्यों की या सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो सारे प्रबंध करता है, और सुचारू रूप से गांव की साफ सफाई हो सके। जानवरों के कारण भी कचरा होता है, फसलें कटती हैं तो भी कई तरह का, और जब जहां लोग रहते हैं वहां भी गंदगी होती है, कचरे का सही ढंग से निकासन हो, पानी की सही निकासी हो, नालियां बनी हो, कचरे के उठाने की सही व्यवस्था हो, और उनको बाद में जो कचरा इकट्ठा किया जाता है उनको सही जगह पर निस्तरण किया जाए। उनका खाद पद वगैरह बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों की है गोबर वगैरह, इनको खाद के लिए उपयोग किया सकते हैं। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं जो है वो ग्राम प्रधान के कार्य हैं।
अब अगला कार्य देखिए छठा, ग्रामीण न्यायालय। अब जब कभी जब हम घर में चार व्यक्ति रहते हैं तो उनमें ही कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है, अब गांव में तो बहुत से लोग रहते हैं, तो ऐसे में कई बार किसी ना किसी कारण को लेकर, किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है। उन झगड़ों का निपटारण करना और उनकी समस्याओं का हल करना कि किसी को हानि भी ना हो और सही व्यवस्था भी बनी रहे। जैसे अपने यहाँ पुलिस स्टेशन वगैरह होता है, गाँव में ग्रामीण न्यायालय, जो पंचायत एक छोटे से न्यायालय के रूप में गाँव वालों की बातें सुन के दोनों पक्षों की, दोनों परिवारों की, उनके झगड़ों का हल निकालती है। अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है, झगड़ा होता है, उसको फिर शहरी न्यायालय में भेज दिया जाता है, तब उनका हल निकाला जाता है। लेकिन अधिकतर मामलों का निपटारा ग्रामीण न्यायालय में ही हो जाता है। सातवां पॉइंट है शादी विवाह के लिए घर उपलब्ध करवाना। जहां हम लोग रहते हैं तो जो विकसित बच्चे हैं या जो एडल्ट हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है, तो शादी विवाह या अन्य कोई समारोह है या कोई कार्यक्रम करना है, उन सबके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आप इसके लिए भी सही कि कितना धन खर्च किया जाए, 18 वर्ष का व्यक्ति है तो वह शादी के लायक 18 से 21 वर्ष की आयु ऊपर होनी चाहिए, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। पढ़े लिखे भी हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके। और जो उनको धन उपलब्ध है इसके लिए ग्रामीण बैंक होते हैं, बैंकों से लोन लेकर, चाहे वो कृषि कार्य हो, घर में कोई समारोह हो, शादी विवाह हो, इसके लिए धन मिल सकता है। ये आपको मैंने कुछ कार्य ग्राम पंचायत के बताए, जैसे पाठ में भी आपके दे रखे हैं इन कार्यों के चित्र, आप चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और जब इस तरह से गांव का विकास होगा, ये सारे कार्य अच्छे से सुचारू रूप से होंगे, संपन्न होंगे, तभी एक गांव का विकास, जब गांव का विकास तो शहर का विकास साथ साथ होगा, और जब दोनों ही बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, भारत का विकास होगा। इसीलिए गांव का विकास भी जरूरी है। गांव को भी ये सोचकर कि गांव है, गांव के विकास में ध्यान नहीं दे तो ये जरूरी नहीं है, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर गांव बढ़ेंगे तो हम सब बढ़ेंगे, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब देश की सारी जनसंख्या यानी 73% जो जनसंख्या गांव में निवास करती है, उसका विकास होगा तो ही हमारे देश का विकास हो सकता है। और अगर गांव का विकास अधूरा रहा तो साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो शहरों में जो कल कारखाने वो ठप पड़ जाएंगे, आपके घर तक अनाज तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर गाँव में सब ढंग से नहीं हो, बीमारी हारी समय पर इलाज नहीं हो। अब देखिए इससे संबंधित कुछ रिक्त स्थान, कुछ हमने कल विकल्प वाले प्रश्न किए थे, आज प्रश्न दो रिक्त स्थान हल करेंगे, जो आपको अधिकांश उत्तर यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ही मिल जाएंगे और मैंने भर भी दिए हैं रिक्त स्थान। देखिए गांव की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में, भारत की अधिकांश जनसंख्या कितनी प्रतिशत बताई थी मैंने, 73%, यानी 3/4 में लगभग जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, गाँव में। दूसरा रिक्त स्थान है ग्रामीण झगड़ों का निपटारा पंचायत करती है, जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण न्यायालय होते हैं, वो कोई भी झगड़ा हो, किसी की कोई समस्या हो, उसका हल कहाँ होता है, पंचायत में। उसके बाद अगर नहीं निकले तो ग्राम से बाहर शहरी न्यायालय में किया जाता है। फिर है ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, यानी जो व्यवस्था बतानी होती है देश की, प्रशासन यानी पूरे शासन की बात बोल, उसका सबसे छोटा पॉइंट है पंचायत। अगर किसी भी रस्सी की छोटी सी भी गांठ खुल जाए तो पूरी रस्सी खुलती जाती है, इसी तरह से अगर छोटी इकाई मजबूत ना हो तो अगर ग्राम पंचायत भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं करे तो गांव का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं तो किसी का विकास नहीं, इसीलिए सबसे छोटी इकाई का भी मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए ग्राम पंचायत अपने कार्य को, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सारे कार्य करती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से सुई एक कार्य कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती, सुई की उपयोगिता है, इसीलिए छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव में होने वाली समस्याओं का समाधान, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा, कोई भी समस्या हो किसी परिवार की, किसी गली की, किसी मोहल्ले की, जो गांव के अंदर लोग रहते हैं उनकी कोई भी स्वास्थ्य संबंधी हो सकती है, पशुपालन संबंधी हो सकती है, खेती बाड़ी को लेकर हो सकती है, यातायात के साधन को लेकर हो सकती है, सड़क की, शिक्षा, कोई भी हो, सारी समस्याओं का जो हल है वो मुख्य रूप से कौन करता है, समाधान समस्याओं का ग्राम प्रधान करता है, ग्राम पंचायत करती है, ये सब मिलकर समस्याओं का हल निकालते हैं, जो गांव में जो भी समस्या हो और उनके लिए जो भी आवश्यक साधन चाहिए वो सरकार से उपलब्ध करवाते हैं। ग्राम प्रधान क्या क्या कार्य करता है, अब सरपंच है वो सारे काम तो खुद नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए अगर प्रधानाचार्य जैसे विद्यालय के सारे कार्य नहीं कर सकता, वो अपने टीचर से या और भी जो स्टाफ होता है, कुछ क्लर्क होते हैं, कुछ फोर्थ क्लास का होता है, कुछ अन्य व्यक्ति जो है वो सब मिलकर
सारे विद्यालय के कार्य करते हैं। इसी तरह से जो ग्राम पंचायत का हेड है, सरपंच, ग्राम प्रधान, वो सारे कार्य सही ढंग से हो। कृषि के लिए कृषि का जो प्रधान होगा कृषि कार्य देखता, उससे कार्य करवाएगा। पशुपालन के लिए जो पशु प्रधान होगा, जिसको ये व्यवस्था दी गई होगी, वो करेगा। स्वास्थ्य संबंधी, परिवार नियोजन संबंधी या साफ सफाई संबंधी जितने भी कार्य हैं, इन बातों का ज्ञान मिले और ये सब बातें वो लघु भूमि समय समय पर एकत्र कर या किसी भी विशेषज्ञ को बुला करके, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से या परिवार नियोजन से या शिक्षा से लेकर, उन विशेषज्ञों को बुलाकर जो इसके बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। इस तरह के कई बार कुछ समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, कुछ मीटिंग भी आयोजित की जाती है, जिनसे गांव के लोग शिक्षित हो सके, उनको इनके बारे में ज्ञान मिल सके। ये सारी व्यवस्था भी ग्राम प्रधान करता है। ये हमने देखा कि ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है गाँव के विकास के लिए, गाँव का विकास, देश का विकास, ये सब हमने इसमें आप पढ़े। और ये सभी बच्चों को ये मुख्य बिंदु और ये रिक्त स्थान अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। और आज की कक्षा यही समाप्त होती है। कल हम इसके आगे के प्रश्न उत्तर और मैच द फॉलोइंग, मेल मिलाओ, ये सब अब आगे ही नियमित रूप से कक्षा में करेंगे, कल की कक्षा में। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।